जब चंद्रचूड़ को सीजीआई बनने से रोकने की हुई थी साजिश, शपथ लेने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका हुई दायर, जाने क्या है पूरा मामला। 2014 के बाद लोगों में न्यायपालिका को लेकर भरोसा काफी कम हो गया था। चंद्रचूड़ के चीफ जस्टिस बनते ही वो भरोसा फिर से कायम हुआ। अपने फैसलों में, अपने टिप्पणियों से सीजीआई चंद्रचूड़ ने जनता को मैसेज दिया, वह किसी से डरने वाले नहीं है। चीफ जस्टिस बनने से पहले भी सीजीआई ने कई ऐतिहासिक फैसले सुनाए, चीफ जस्टिस बनने के बाद भी कुछ ऐसे फैसले सुनाए, कुछ ऐसे टिप्पणियां की कि लोगों में न्यायपालिका को लेकर अब विश्वास बढ़ता जा रहा है। जो मोदी सरकार लगातार सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी दे रही थी, अचानक चंद्रचूड़ के सीजीआई बनते ही बैकफुट पर आ गई। हालांकि इसके पीछे एक कहानी और है कि जब चंद्रचूड़ सीजीआई बनने वाले थे तो उनके खिलाफ साजिश हुई थी। कई लोग मोदी सरकार पर यह आरोप लगाते हैं, ये कहते हैं कि उन्होंने ही किसी के द्वारा याचिका दायर करवाई थी और सीजीआई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस न बन पाए, इसको लेकर एक साजिश रची गई थी। वो साजिश क्या थी, किसने याचिका दायर की, याचिका में क्या कुछ आरोप लगाए गए थे और फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि जो सीजीआई चंद्रचूड़ के खिलाफ साजिश रची गई, क्या वो एक साजिश थी, जो याचिका दायर की गई वो किसके इशारे पर की गई, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सीजीआई बनने से रोकने के लिए दाखिल की थी याचिका। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई थी जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ के कुछ न्यायिक आदेशों को हितों का टकराव बताते हुए उन्हें सीजीआई पद की शपथ लेने से रोकने की मांग की गई थी। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश यू ललित की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ के समक्ष याचिका का जिक्र करते हुए वकील ने जल्द सुनवाई की मांग की और कहा कि जस्टिस चंद्रचूड़ 9 नवम्बर को सीजीआई पद की शपथ लेने वाले हैं। इस पर जस्टिस यू ललित ने जल्द सुनवाई का आग्रह स्वीकार करते हुए मामले को सुनवाई पर लगाने का आदेश दिया। याचिका मुरसलीन असजीत शेख की थी। लगा रहा था बेबुनियाद आरोप, सबूत मांगा तो वकील अलबलाने लगा। वकील आगे कहा, जस्टिस चंद्रचूड़ की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ एसएलपी पर सुनवाई की थी। उस मामले में हाईकोर्ट में उनका बेटा वकील के रूप में पेश हुआ था। ऐसे में जस्टिस चंद्रचूड़ को उस मामले पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए थी। बहस कर रहे वकील ने यह भी कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना है कि जस्टिस चंद्रचूड़ को यह मालूम नहीं था कि उस केस में हाईकोर्ट में उनका बेटा पेश हुआ है, लेकिन यह स्वीकृत बात है क्योंकि एसएलपी के साथ आदेश संलग्न था। वकील की इस दलील पर जस्टिस ललित ने कहा, सबूत दिखाइए कि एसएलपी के साथ वो आदेश संलग्न था। वकील ने फाइल में कुछ देर ढूंढने के बाद मामले को कल तक टालने का अनुरोध किया, लेकिन पीठ ने कहा, नहीं, आपने कहा था कि आप आज बहस करने को तैयार हैं, आपके पास अगर कोई सार या तथ्य है तो बताइए। कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद याचिका को सारहीन बताते हुए, तथ्यहीन बताते हुए खारिज कर दिया था। बिना किसी आधार के जस्टिस चंद्रचूड़ के खिलाफ पहुंचा था कोर्ट। तय समय पर जब सुनवाई शुरू हुई थी, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, जस्टिस ललित इस पर सुनवाई नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की है। हालांकि जब पीठ ने कहा कि अपनी याचिका में उठाई गई मूल बात बताएं, तो वकील ने जस्टिस चंद्रचूड़ की पीठ के कुछ न्यायिक आदेशों को आधार बनाते हुए उनकी नियुक्ति पर आपत्ति की। वकील ने कहा, जस्टिस चंद्रचूड़ ने कोरोना से संबंधित मामले में सुनवाई के दरमियान वरिष्ठ वकील द्वारा एक याचिका का जिक्र किए जाने पर उसे संबंधित केस के साथ संलग्न करने का आदेश दिया था, लेकिन इसी तरह की एक जूनियर वकील की मांग ठुकरा दी थी और उसे हस्तक्षेप अर्जी दाखिल करने को कह दिया था। यानी साफ तौर पर बिना किसी तैयारी के, बिना किसी आधार के वो वकील जो है वो जस्टिस चंद्रचूड़ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। वो किसी भी तरीके से चंद्रचूड़ को बदनाम करना चाहता था। उनकी चीफ जस्टिस के तौर पर जो नियुक्ति होनी थी वो किसी न किसी आधार पर बदनाम कर उनकी नियुक्ति को रुकवाना चाहता था, लेकिन जो उस वक्त पीठ थी उसने उनके आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और जब सबूत मांगा तो वकील वो तमाम सबूत उपलब्ध नहीं करा पाए और अंत में उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया।